वेस्टइंडीज ने पांचवें T20 मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर 3-2 से सीरीज जीत ली है। फ्लोरिडा में खेले गए आखिरी मुकाबले में हार्दिक पांडे की कप्तानी वाली टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार की कई बड़ी वजह रही, पहले बल्लेबाज कुछ खास न कर सके और फिर गेंदबाज भी 165 रनों के स्कोर का बचाव करने में असफल रहे, मगर ये हार टीम इंडिया को सालों साल चुभने वाली है। दरअसल 2017 के बाद ये पहला मौका है जब टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई T20 सीरीज गवाई है। सीरीज में मिली हार के साथ ही फैंस को एक बार फिर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली की याद सताने लगी है। सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर काफी सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित और विराट ने एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। दोनों ने इस फॉर्मेट में देश के लिए अपना आखिरी मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 10 विकेट से मिली बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, तभी से दोनों भारत के लिए फटाफट फॉर्मेट से दूर हैं। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभाल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ही फ्यूचर के कप्तान हैं और उन्हीं की कप्तानी में भारत अगले साल 2024 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद फैंस का ऐसा कहना है कि टीम मैनेजमेंट और BCCI को एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भरोसा जताना चाहिए। कई फैंस ऐसा कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को एक बार फिर से बतौर कप्तान मौका देना चाहिए और टीम उनकी लीडरशिप में इस फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकती है। पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को 10 विकेट से मिली हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद क्रिकेट के कई एक्सपर्ट्स और फैंस ने यह तक कह डाला था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया पर बोझ बन चुके हैं। इन दोनों को इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेकर वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। लेकिन वेस्टइंडीज दौरे पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया के इस निराशाजनक और शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब एक बार फिर से क्रिकेट के गलियारों में रोहित और विराट का नाम गूंजने लगा है। फैंस का ऐसा कहना है कि जल्द से जल्द अब सीनियर खिलाड़ियों की एक बार फिर से T20 टीम में वापसी होनी चाहिए। वैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में मिली हार के बाद क्या आप भी विराट और रोहित को फिर से T20 टीम में देखना चाहेंगे या नहीं? कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।